इस साल मैं अगर किसी दो तीन मूवी का इंतजार कर रहा हूँ तो उसमें एक जवान भी है, क्योंकि सालार और एनिमल को छोड़ दिया जाए तो तीसरे जवान के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना। और इसका प्रीव्यू देखे तो और मजा ही आ गया, मतलब पूरा एकदम एक्सपेक्टेशन को मैच करता है इसका प्रीव्यू, मजा आया। आज हम लोग बात करेंगे शाहरुख खान के अपकमिंग मूवी के बारे में, जिस मूवी का टाइटल है जवान, जिसका एक प्रीव्यू टीजर बोलो या ट्रेलर बोलो, मतलब ना टीजर है ना ट्रेलर है क्या है पता नहीं, लेकिन प्रीव्यू देख के एकदम मजा ही आ गया। मतलब पूरा 2 मिनट से ज़्यादा का टीजर है, लेकिन पूरा देख के भी स्टोरी के बारे में पता नहीं चलता, इसको बोलते हैं टीजर, ऐसा टीजर कटिंग करना चाहिए। और जो एडिटर है उसका तारीफ तो बनता ही है, मतलब एकदम मस्त टीजर को काटा है, लगता है इसके गर्लफ्रेंड ने इसको काटना सिखा दिया था। बात करें टीजर के बारे में तो कुछ स्टोरी अगर मोटा मोटा तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि कोई रोल में शाहरुख खान पुलिस लग रहा है, किसी में एकदम क्रिमिनल जैसा लग रहा है, किसी में टकला दिख रहा है। कहीं सुनी सुनाई बातें किया जाए तो इसमें शायद शाहरुख खान दो रोल में नजर आएंगे। और इस मूवी का मतलब हाइप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये साउथ से लेकर नॉर्थ तक सारे बेल्ट में चलेगा, क्योंकि डायरेक्टर है साउथ का अक्षय कुमार और एक्टर इधर शाहरुख खान हो गई और नयनतारा है, दीपिका पादुकोण भी एक कैमियो रोल में दिखेगी, और सबसे मेन जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो विजय सेतुपति इधर इसमें विलेन का काम कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि शाहरुख खान की पिछली मूवी पठान थी जो मुझे उतना अच्छा नहीं, उतना अच्छा क्या, मेरे को जमा ही नहीं मूवी, बाकी कमाई की हाँ मैं जानता हूँ 1000 करोड़ क्लब में कमाई की, लेकिन मेरे को मूवी एकदम अच्छा नहीं लगा था। अबे साले माफ कर, सिद्धार्थ आनंद की टिपिकल मूवी जैसी थी, तो मेरे को उतना जमा नहीं। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि डायरेक्टर अतुल कुमार का मैं पिछला पूरा प्रोजेक्ट देखा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए इसको प्योर एकदम मास मसाला की तरह मैं देखूंगा इसको। मेरे को ये प्रीव्यू बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना 2 मिनट लंबा प्रीव्यू दिखाया है लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, मतलब एकदम मस्त। और बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक अनिरुद्ध का है तो उसका भी बीजीएम मेरे को अच्छा लगता है। तो मूवी का कलेक्शन के बारे में बताओ अगर तो कम से कम ये मूवी 1000 से लेके 1500 करोड़ तक कमाएगी, ये डेफिनेटली है, मैं लिख के दे सकता हूँ किधर। मूवी इतना मस्त देखने में लग रहा है इसका प्रीव्यू, मजा ही आ गया, मैं एक शब्द में इसको बोलता हूँ मजा आ गया। कि तुम लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा मतलब बता सकते हो, ये टीजर मेरे को अच्छा लगा था तो सोचा इसके बारे में बात किया जाए, मतलब ये प्रीव्यू मेरे को अच्छा लगा। सलार का टीजर देख के लग रहा था कि हाँ ये देखा देखा हुआ है, लेकिन ये जवान का टीजर देख के ऐसा कुछ फील नहीं होता, मेरे को जवान से काफ़ी उम्मीद है। बाकी देखते हैं मूवी कब, देखते हैं मूवी कैसी होगी, मतलब टीजर से एक ही बार जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीजर से तो मूवी एकदम प्रोमिसिंग लग रही है। अगर ये स्टोरी और बाकी डिपार्टमेंट अगर ये मूवी ने नहीं हगा ना तो ये मूवी मज़े से एकदम से 1500 करोड़ कमा लेगी। बाकी चलिए मूवी आने के बाद बात करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री राम। करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।